सारे दोस्तों अगले रोचक तथ्य में और जनरल नॉलेज में हम बता देंगे भारत में सबसे पहले लोकपथ मेट्रो लोकपथगामी सबसे पहले कहाँ पे चली और रेल सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। इन्हीं कुछ तथ्यों के बारे में हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और देखते रहिए हमारी वीडियो और बताते रहिए दोस्तों को। तो आगे हम बता देते हैं कि इसका सामान्य रूप से रोचक तथ्य में आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले कर्सर पर ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। मेट्रो रेल भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर जो थे राकेश शर्मा। 1984 में राकेश जी शर्मा ने सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। और आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 सितंबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय श्रीमान न्यूयॉर्क में स्थित है। तो देखते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, हम से सब्सक्राइब करें और जीके का आनंद लेते रहिए और घर बैठे आनंद दीजिए। और इसको आप प्रोजेक्टर पे भी चला सकते हैं, आनंद आएगा अलग से। और आपने अपने मोबाइल टीवी रेडियो कहीं भी चला सकते हो, सोते सोते आपकी तैयारी हो सकती है। थैंक यू, बढ़ते रहिए।